वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि फिर कल हमको निकलना है। तो मैं कल के व्लॉग बनाऊँगी, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ और कहाँ की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर हो सके तो शूट करूँगी। और जो मैंने दो दिन में क्या किया उसका भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है, तो वो इस ब्लॉग में मैं आपको बीच में बताऊंगी। तो हम चलते हैं मार्केट के लिए। तो फाइनली हम आ गए हैं मार्केट में। मार्केट में छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा कि चलो पहले जाने से पहले एक बार मार्केट होके आते। तो ये मैंने थोड़ा ब्रेसलेट लिया था, यहाँ से मणक चौक में दुकान है, तो वहाँ से मैंने ऐसा ब्लैक मतलब मंगलसूत्र स्टाइल में मैंने ब्रेसलेट लिया था शॉप से, पारस करके शॉप का नाम है। तो यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स वगैरह सब अच्छा मिलता है, ज्वेलरी भी आपको लेनी हो तो यहाँ बहुत अच्छे और सही दाम में मिल जाता है। तो हमारे जाने की तैयारी हो गई है, तो हम रेडी हैं। दूसरे दिन हमको निकलना है फिर बुआ के यहाँ। देखिए हमारी माता जी मोबाइल देख रही है जाने से पहले। मासी जी रेडी हुए हैं। तो हम बैठ गए रिक्शा में, स्टेशन के लिए निकल गए हैं हम। हमारी मॉर्निंग को 8:45 की ट्रेन थी, जिससे हमें नीमच जाना था, और नीमच से नेवड़ भुआ के यहाँ पे, और फिर भुआ के यहाँ से फिर हमको मतलब इवनिंग में ही निकलना था। वहाँ से हमने गाड़ी कर ली थी तो नाथी द्वारा सांवरिया जी दर्शन करने के लिए, तो फिर वहाँ से हम निकलना था वापस। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है नीमच के लिए, सब बैठ गए हैं। भुआ के घर, तो ये जो छोटा सा बच्चा है मेरी सिस्टर का, भुआ की लड़की का लड़का है, तो उससे ही मस्ती कर रहे हैं। और वो जो लेटा हुआ है वो मेरे भुआ का लड़का है, मेरा भाई है। तो सब यहाँ इतने दिनों में आए हैं, तो मस्ती चल रही है। उसको बोल रही हूँ, उसका नाम वंश है, कि बाय हाय करो। वो मेरे ब्रदर को भी बोला तो शुभम है उसका नाम, तो वो भी हाय कर रहा है। और ऐसे ही मस्ती चल रही है, सब इतने दिनों बाद मिले हैं तो सबकी बैठक जमी हुई है। ये देखो मामा और भांजा दोनों में कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों।
इतने दिनों में मिले हैं तो कुश्ती पछाड़ चल रही है, एक दूसरे को खिंचातानी हो रही है। वही तो मामा भाने से मिले तो वही मस्ती तो चलेगी, वो तो हो नहीं सकता कि मस्ती ना हो। और ये सब बैठे हुए मासी बैठी हुई है, ये काका, मम्मी, ये ताई जी, और ये मेरी बुआ चाय बना रही है सबके लिए, क्योंकि जाने के लिए हमको वापस गाड़ी में बैठना था सांवरिया जी दर्शन के लिए। तो बस हमारी लास्ट पैकिंग चल रही थी और ये हम बैठ गए हैं गाड़ी में और सांवरिया जी के लिए निकल गए हैं। ये मेरी बुआ है, इकलौती बुआ है मेरी। ये बातें चल रही है, गप्पेबाजी चल रही है पूरे सफर में, बस ऐसा ही चल रहा है। तो फाइनली हम आ गए हैं सांवरिया जी दर्शन करने के लिए। ब्लॉक सांवरिया जी की, और नेवड़ गई थी बुआ के यहाँ, फिर वहाँ से सांवरिया जी के दर्शन हुए। तो आज का ब्लॉग यही, फिर कल मेरा ब्लॉग है नाते द्वारा का, बताऊंगी जिस दर्शन का। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना।